तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी बन रहा है, ये हमारा एक स्क्वायर है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया है। आई होप आप इसको मैनेज कर लोगे। विथ साइड 2√2 सेंटीमीटर एंड इन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर बन रहा है हमारा ये इन इंस्क्राइब्ड। मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो एरिया फाइंड करना है हमने शेडेड रीजन का। तो इसकी जो साइड दे रखी है ना स्क्वायर की, वो हमको दे रखी है 2√2। तो ये भी हो जाएगा हमारा यहाँ से 2√2। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे जो हमारा सर्कल का एरिया है, इसमें से हम स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ से निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको सर्कल की रेडियस चाहिए होगी। तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, देखो जो हमारा स्क्वायर बन रहा है ना, जो भी हमारा स्क्वायर रहता है उसकी हमारी साइड सपोज करो अगर ए दे रखी है, तो इसका जो डायगोनल होगा या इसको हम बोले हाइपोटेनियस, वो होगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे साइड का √2। जो भी हमारी साइड रहेगी उसका क्या होगा, √2 टाइम्स होगा जो हमारा हाइपोटेनियस होगा या इसको हम बोले डायगोनल। तो यहाँ पे जो हमारा बी डी होगा ना, ये इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये हमारी साइड का √2 होगा। देखो हमको साइड दे रखी है इसकी 2√2, तो वापस से इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा बी डी निकल जाएगा। जो ये बी डी हमारा इसका डायगोनल होगा, यहाँ से निकल रहा है ये 4, तो बी डी हमको मिल गया 4 सेंटीमीटर। अभी दोस्त यहाँ पे जो इसकी रेडियस होगी ना इस सर्कल की, वो इस बी डी की हाफ होगी, तो जो रेडियस हो जाएगी वो यहाँ से आएगी 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये चीज़ पकड़ में आ रही होगी दोस्त। तो अभी क्या करेंगे, हमारी रेडियस यहाँ से मिल चुकी है, तो इसमें हम सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया हमारा 3.14 और रेडियस अभी हमने 2 फाइंड की थी, ये आर स्क्वायर हो गया 2 × 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो ये हमको देखा 2√2 और वापस से 2√2 साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे देखो इसमें से ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 हमको यहाँ से मिलेगा और 2 एक 2 हमको ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं ना, 2 × 2 को मैंने बाहर कॉमन पकड़ लिया। बेसिकली ये जो 2 × 2 आ रहा है और ये भी 2 × 2 आ रहा है, इसको मैंने बाहर पकड़ लिया। यहाँ पे बच रहा है 3.14 है ना, और ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 दे देगा। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये आपको मिल जाएगा 1.14, ये मिल गया। और यहाँ से हमारा मल्टीप्लाइड में मिल रहा है 2 × 2 = 4। इसको जस्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 16 का 6 कैरी 1, और यहाँ से मिल जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो 4.56 मिल रहा है, या इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके 4.6 के अराउंड ले सकते हैं। 4.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से हमारा ये। तो अभी जो ऑप्शन सी है ना दोस्त, ये हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन पकड़ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।